डेली राउंडअप में आपका स्वागत है नजर डालते हैं एक बार हेडलाइंस देश में कोरोना संक्रमण के सैतालीस हजार सात सौ तीन नए मामले छह सौ चौवन मरीजों की मौत बीपीसीएल ने कर्मचारियों से कहा निजी प्रबंधन के तहत करना नहीं है काम तो ले लो वी तेजी से फैलता कोरोना संक्रमण केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आज मंगलवार 28 जुलाई को सुबह आठ बजे जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के सैतालीस इसके अलावा कोरोना से चौवन मरीजों की मौत हो चुकी है साथ ही इसी बीच कोरोना से पीड़ित मरीजों को स्वस्थ भी किया जा चुका है देश भर में अब कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या चौदह लाख तिरासी हजार एक सौ छप्पन हो गई है स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा जानकारी के अनुसार अभी तक चौसठ दशमलव दो तीन फीसदी यानी लाख 952743 मरीजों को ठीक किया जा चुका है लेकिन संक्रमण के कारण अभी तक 33425 मरीजों की मौत हो चुकी है इसी के साथ देश में कुल सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 496988 हो गई आईसीएमआर द्वारा आज 28 जुलाई को जारी आंकड़ों के अनुसार अभी तक कुल 1 करोड़ 733485 सैंपल की जांच की गई है जिसमें से

और सुचारू रूप से चलने वाली कंपनी को निजी हाथों में क्यों सौंपना चाहती है सरकार देश की तीसरी सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी और दूसरी सबसे बड़ी पेट्रोलियम मार्केटिंग कंपनी का निजीकरण करने जा रही है निजीकरण से पहले कंपनी ने अपने कर्मचारियों को वीआरएस देने की पेशकश की अब बढ़ते हैं तीसरी खबर की तरफ प्रबीर बात कर रहे हैं कि किस तरह से देश में तेजी से कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है और साथ ही दुनिया में भी इसका खतरा मंडरा रहा है साथ ही वे नजर डाल रहे हैं मौजूदा दवाइयों और उनके उपयोग पर आइए देखते हैं क्या कहना है शुरू करते हैं हमारे देश से कि पर अभी कोविड-नाइनटीन का दौर जो है लगता है लगता उसी रफ्तार से चल रहा है जहां जैसे पहले चल रहा था मतलब उस रफ्तार में कोई खास फर्क नजर नहीं आ रहा है इस वक्त हमारा करीब पंद्रह लाख लोग इससे बीमार हैं चौदह लाख कुछ हजार पर लगता है कि जिस रफ्तार से हम बार बढ़ रहे हैं करीब हर दिन हमें लग रहा है कि पचास हजार तक केस आ रहा है इस वक्त मतलब और एक दो दिन में हम पंद्रह लाख संख्या में पहुंच जाएंगे इस पे तो चिंताजनक बात जो है इस पे कि हमारा न्यू केसेस इस वक्त जितने लोग रिकवर कर रहे हैं उससे काफी आगे है मतलब रिकवर्ड अगर करीब बत्तीस हजार लोग रिकवर किए पिछले 24 घंटे पे तो करीब पचास हजार लोग नए बीमार निकले तो हमारे संख्या बीमारियों की बढ़ता जा रहा है ये तो मोटी मोटी बात देखे प्रदेशों की क्या हाल है हालत है तो उसपे देखेंगे कि प्रदेशों में जो पहले प्रदेश सबसे आगे चल रहा था महाराष्ट्र वो अभी भी कुछ रफ्तार से आगे बढ़ रहा है अगर थोड़ी सी बारीकी से फिगर्स देखेंगे तो देखेंगे कि इस वक्त जो मुंबई शहर है उस पे फिगर्स थोड़ी सी धीमी हुई है पर उसकी जो आसपास के इलाके हैं जो कि शहरी इलाके हैं उस हिसाब से महाराज मुंबई शहर के लगवा हिस्सा है तो वहां पर काफी तेजी से बढ़ रहा है और पुणे में भी बढ़ रहा है दूसरे कुछ शहरों में बढ़ रहा है और एक पुणे मुंबई बेल्ट से लेकर आगे तक ये बीमारी इस वक्त काफी तेजी से बढ़ रहा है मतलब इस पे अभी स्पीड ऑफ इंक्रीज जिसे कहते हैं इस रफ्तार से यह बढ़ रहा है वो बरकरार है और यही हालत तमिलनाडु में है दिल्ली की संख्या थोड़ी सी अच्छी नजर आ रही है इस वक्त लगता है कि दिल्ली जो दो ढाई हजार कि हर रोज बीमार निकल रहे थे उससे अभी बीमारियों की संख्या घटी है और करीब वो ग्यारह सो बारह सो हजार के लगभग हर रोज हो रहे हैं इसका मतलब दिल्ली का आप देख सकते हैं कर्फ थोड़ा सा फ्लैट हुआ है इस दौरान जो कि महाराष्ट्र तमिलनाडु में वो देखने को नहीं मिल रहा है उत्तर प्रदेश की बढ़ोतरी थोड़ी ज्यादा हो रही है केरल में भी संख्या बढ़ी है पर केरल में जो खासियत रही है कि इतने हजार लोग बीमार पड़ने पर भी उनके जो डेथ कितने लोग मरे हैं कोविड से एक काफी नीचे है मतलब इस बीमारी को रोकना एक बात है पर बीमारी रहते हुए जो लोग बीमार हैं उसको आप कैसे टैकल करें उसको आप कैसे अस्पताल में सहूलियत पहुंचाएं कैसे आपकी मृतकों को संख्या कर कम कर सकते हैं इन सब चीजों में केरल अभी भी हमें एक एग्जाम्पल के रूप में है हमारे सामने क्योंकि ये तो सही है कि पूरी तरह से संभालना इस बीमारी को हमारे हाथ में है नहीं पर जब लोग बीमार होंगे बाहर से आ रहे हैं और भी इधर उधर से आ रहे हैं शहर दूसरे एक शहर से दूसरे जगहों पर जा रहे हैं तो बीमारी फैलती है पर इस फैलने के बाद इसको हम कैसे कंट्रोल करें और कैसे लोगों को सहूलियत दे अस्पताल में उनकी जो इंटेंसिव केयर की जरूरत है उसको कैसे देखभाल करें इस पर डिपेंड करता है कैसे आपकी बीमारी से लोगों पर असर कम या ज्यादा पड़ता है और ये जो कहा जा रहा है इस वक्त सरकार की कहना है कि फेटलिटी रेट हिंदुस्तान में 2.5 परसेंट है दुनिया से कम है इसमें देखिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है पहली तो बात है कि दुनिया का रेट चार परसेंट है पांच परसेंट है ढाई परसेंट है दो परसेंट है इस पर बहस चल रही है तो ये ढाई अगर हम फिगर मान के चले और कहे कि दूसरे देशों से कम है तो हमें यह भी देखना पड़ेगा कि ये फिगर्स इस तरह से आते हैं कि कितने बूढ़े लोग बीमार पड़ते हैं और अगर बुढ़ापे की संख्या बूढ़े लोगों की संख्या एक देश में ज्यादा होती है तो उनकी हाई होती है जैसे इटली की डेथ रेट हाई रहा क्योंकि 20 प्रतिशत लोग उनके काफी बूढ़े लोग बीमार पड़े और उनके बूढ़े लोगों की संख्या इटली में काफी ज्यादा है हमारे यहाँ पर यंग पॉपुलेशन है जिसे कहते हिंदुस्तान का सबसे उस हिसाब से चंदो में, में इसीलिए हमारा फिगर्स लाजमी है कि दूसरे देशों से ज्यादा होगा जहां पर ओल्डर पीपल उनकी संख्या ज्यादा है हमसे तो इसीलिए कंपैरिजन सिर्फ जो है देश के हिसाब से नहीं होना चाहिए कितने लोग कितने बूढ़े लोग एक देश में उसको भी देखना हमें चाहिए आते हैं दुनिया के ऊपर एक नजर डालने तो इसमें अगर देखेंगे तो देखेंगे सबसे आगे इस वक्त अमेरिका जरूर है टोटल केसेस उनकी करीब फोर बिलियन फोर एंड हाफ मिलियन के लगभग हो रहा है मतलब तैतालीस लाख चौवालीस लाख के बीच में वो इस वक्त है पर जो चिंताजनक बात यह है कि न्यू केसेस जो है जैसे हम वर्ल्ड मीटर की आपका तस्वीर दिखा रहे हैं टेबल है न्यू केसेस में हम अमेरिका के ठीक पीछे हैं जब हल्क, हमारे फिगर्स टोटल फिगर्स काफी कम है पर न्यू इन्फेक्शन का फिगर करीब करीब अमेरिका जैसा ही है उनको 56,000 है हमारा 50,000 है अगर हमारे चार्ट जाए जो हमारी पहले आपको दिखाते हैं ग्लोबल चार्ट्स जो हमारी है उस पर अगर आप देखेंगे तो हम देखिए न्यू केसेस की चार्ट्स देखते हैं टोटल केसेस तो आप जानते ही है क्या है पर न्यू केसेस की चार्ट अगर देखे देखेंगे हमारी जो रफ्तार है बढ़ने की वो अमेरिका से इस वक्त ज्यादा है हम और ब्राजील करीब करीब न्यू इन्फेक्शन परसेंटेज के तौर पर पूरे फिगर्स uh, के बेस्ड जो है टोटल केसेस उसपे कितने न्यू केसेस अगर देखें तो न्यू केसेस की रफ्तार ब्राजील और हिंदुस्तान की सबसे ज्यादा है इस वक्त ज्यादा जो इंफेक्टेड देश है उनको अगर हम देखें तो ये दर्शाता है कि न्यू केसेस जो कि इस वक्त बीमारी की रफ्तार बताता है उस पर हम अमेरिका के पास पहुंच रहे हैं और हो सकता है कि हम अमेरिका को ओवरटेक कर ले थोड़े ही चंद दिनों में कि हमारे नंबर्स केसेस की न्यू केसेस की नंबर जो छप्पन हजार आ, पचास हजार है छप्पन हजार अमरीका के पचास हजार हमारा तो इसमें तो हम ओवरटेक कर ले इसका मतलब हमारी हालत इस वक्त दुनिया में नाजुक देशों में गिना जाना चाहिए और अमेरिका के अगर कंपैरिजन हम कर रहे हैं किसी चीज से ये अच्छी बात नहीं है कि दुनिया मानती है कि अमरीका इस वक्त उसका नाम बदल के प्लेगिस्तान भी कह सकते हैं कि इतने बड़े पैमाने पे मौत और कहीं नहीं हुआ इतने बड़े पैमाने पर यह बीमारी नहीं फैली है और जो सबसे उन्नत देश अपने आप को वो डिक्लेयर करते हैं अब हेल्थ सिस्टम पर पर कैपिटल हेल्थ सिस्टम में सबसे ज्यादा खर्चा अमेरिका में दुनिया में होता है उसके बावजूद इस वक्त वो सबसे नाजुक स्थिति में है जबकि बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जिनमें बीमारी फैली है और उसके बावजूद उनकी डेथ फिगर्स काफी लो रहा जैसे रशिया रशिया में काफी लोग बीमार है उसपे आठ लाख लोग बीमार हैं टोटल केसेस है अभी भी उनकी पिछले दिन साढ़े सात करीब छः हजार लोग इंफेक्टेड न्यू केसेस निकले पर उनको डेथ फिगर्स अगर देखेंगे तो उनकी डेथ फिगर अमेरिका से काफी कम है अमेरिका का पर जो कैपिटल डेथ कहते हैं कितने लोग एक मिलियन पॉपुलेशन में मरे हैं तो अमेरिका में एक मिलियन पॉपुलेशन में तेरह हजार लोग मरे हैं हमारे यहां सिर्फ एक हजार लोग मरे हैं और अगर रशिया देखे तो उसमें साढ़े पांच हजार लोग मरे हैं तो इसका मतलब है कि अमेरिका टोटल नंबर ऑफ डेथ्स में सबसे आगे है एक बड़े देश के हिसाब से छोटे छोटे मुल्कों इस में इसमें नहीं गिन रहा हूं और उसके बाद ब्राजील है दूसरे देश उसके काफी नीचे है और यही दर्शाता है कि अमेरिका की हेल्थ सिस्टम इस बीमारी को टैकल नहीं कर पा रहा है जैसे मैंने पहले भी कहा था इस महामारी का दो पहलू है एक तो यह है कि कितनी रफ्तार से बढ़ रही है दूसरी पहलू यह है इस बढ़ोतरी के साथ साथ जो लोग बीमार पड़ रहे हैं उनका देखभाल इंटेंसिव केयर ये हम दे पा रहे हैं या नहीं अगर नहीं दे पाएंगे तब मौत की संख्या बढ़ेगी और जाहिर है कि अमेरिका की हेल्थ सिस्टम इसके सामने इस बीमारी का मुकाबला नहीं कर पा रहा है यही दर्शाता है इतने हाई फिगर्स ब्राजील तो समझ में आती है बुलसनारे तो हाथ खड़े कर दिए है कहा है, ट्रंप ने कहा है कुछ नहीं करना है हम कुछ नहीं करेंगे पेरू मेक्सिको छोटे छोटे देश है इसके कंपैरिजन में पर किसी भी बड़े उन्नत देश में इस तरह की डेथ फिगर्स हमको और नहीं देखने को मिल रहा है जो अमेरिका मिल रहा है इसका मतलब अगर हम कुछ कुछ चीजों में अमेरिका से अपने आप को कंपेयर करने लगे फिगर्स के नौ तौर पर तो ये चिंताजनक बात है, बस इतना है। सभी खबरों को और विस्तार में जानने के लिए आप जा सकते हैं न्यूज़ क्लिक की वेबसाइट पर हमें फॉलो कीजिए ट्विटर फेसबुक इंस्टाग्राम पर और सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर देखते रहिए न्यूज़ क्लिक धन्यवाद